गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हमारा फर्स्ट चैप्टर, हमने लास्ट वीडियो में फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज का जो चैप्टर है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको आपका क्लास एट्थ में भी मिलेगा एंड क्लास नाइन्थ में भी मिलेगा, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले बात करते हैं ये है क्या अलजेब्रिक, एंड एक्सप्रेशन मीन्स जब हम एक्सप्रेस करें अलजेब्रिक फॉर्म में। अलजेब्रिक क्या है? मेन मैट ये है कि अभी तक हमने जो भी डिजिट्स में नंबर पढ़े हैं, नंबर्स में पढ़ा, डिजिट पढ़ी, बट एलजेब्रिक का कोई टर्म नहीं आया। एलजेब्रिक मींस होता है कि जिसमें हम अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नंबर्स, वेरिएबल और नंबर्स से जो एक्सप्रेशन बनते हैं उन्हें बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ से हम ये कह सकते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज कर सकते हैं। बिफोर डिफाइनिंग द टर्म एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यू शुड नो, आपको क्या है कि ये सब देखिए, ये क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये सब कैसे साइन, ये सब आपको जानना चाहिए। यूज इन अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक, ये आपको दोनों में यूज किया जाता है, ये अलजेब्रा में भी और अरिथमेटिक में। क्वेश्चन है आपका, द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एक्सेट्रा आर यूज इन अलजेब्रा एज इन अरिथमेटिक। जैसे हमने अरिथमेटिक में इसको यूज किया था, मीन्स एडिशन मतलब एडिशन ही होता है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जैसे हमने अरिथमेटिक में 5 प्लस 7 या 5 माइनस 7 या 5 इंटू 7 या 5 डिवाइड बाई 7, ये हमने ऐड किया, तो इनको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही अलजेब्रिक में सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे ये इंट्रोडक्शन जो वीडियो में आपको दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आगे की एक्सरसाइजेज आपके लिए ईजी होंगी। देन द अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक में नंबर्स आते हैं, डिजिट्स के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स दैट द सम ऑफ 3 एंड 4, मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए 2 प्लस 5 7, तो ये क्या है, डायरेक्टली आ गया ना एग्जैक्ट आंसर। जिसका एग्जैक्टली आंसर आ जाए वो होता है हमारा अरिथमेटिक। अलजेब्रा में क्या है? अलजेब्रा में मान लीजिए x प्लस y इज इक्वल टू जेड, जब तक हमको x और y की वैल्यू नहीं मालूम होगी हम z की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो इस वजह से हमारा ये अलजेब्रिक, इनको हम वेरिएबल भी बोलते हैं, ये वेरिएबल, ये अलजेब्रिक फॉर्म में यूज किए जाते हैं, इनको वेरिएबल्स बोला जाता है। आगे ही हमारे अरिथमेटिक है, जिस इक्वेशन में ये दोनों का यूज करके एक एक्सप्रेशन दिया जाता है उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, सो इन अरिथमेटिक में आपका जैसे कोई भी क्वेश्चन गिवन है, पावर, हमने पावर एंड रूट्स पढ़ा है। सपोज करिए अगर मैं 2 इंटू 2 लिख दूँ तो क्या होगा, 2 स्क्वायर, ऐसे ही x इंटू अगर x लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। मीन्स जैसे हमने अरिथमेटिक पढ़ा वैसे ही सेम है, बस इसमें क्या है कि हम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं 2 का स्क्वायर 4 होगा, बट यहाँ x का स्क्वायर की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, इनकी वैल्यू कन्फर्म हमको नहीं मिलती। इस तरह से नाउ कंसिडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट, अब आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे किससे के बारे में पढ़ाया जाएगा कि वो एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं। तो हमने आपसे बोला कि क्या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, जिसके दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी एक्सप्रेशन हम फ्रेम करेंगे उन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर आपको, मैंने बोला था कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नंबर्स, तो मैंने लिखा 20x प्लस 60, x भी है एंड वेरिएबल भी है। तो देखिए इस टर्म को, इसमें देखिए जैसे ही प्लस माइनस 60, केवल ओनली प्लस माइनस, वैसे अगर इसको देखें तो 20 x लिखा है देन 60 लिखा, तो जो भी आपको प्लस माइनस से नंबर्स डिवाइड होंगे उन्हें हम टर्म बोलते हैं। जैसे इसमें प्लस के पहले एक नंबर, ये डिजिट है, एक नंबर ये है, और प्लस के बाद एक नंबर है, तो ये टर्म कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, टर्म। इसमें मैं पूछूं कितने टर्म्स हैं, तो एक टर्म्स एंड दो टर्म, टू टर्म्स, ठीक है। इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो कॉन्स्टेंट होते हैं, कॉन्स्टेंट। ओके, ये इसमें आपका क्या है, इसे एक्स को क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर इस एक्स को हम बोलेंगे वेरिएबल, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर को बोलेंगे, याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा रफ रफ करके क्लीन बनाता हूँ, आपको समझ में आया होगा। सबसे फर्स्ट पार्ट हमने बोला था कि जब ये डिवाइड होते हैं वो टर्म करते हैं 20x प्लस 60, तो इसमें प्लस अगर मैं लिख दूं यहाँ पर z, तो कितने टर्म हो गए, देखिए प्लस प्लस से चेंज हो रहा है, एक टर्म, दो टर्म एंड तीन टर्म, माइनस 50y, तो कितने,
फोर टर्म, जितने आप बढ़ाते जाएंगे वो फोर टर्म्स कहलाएंगे। ये होते हैं टर्म्स, जो भी आपके वेरिएबल या जो भी आपके लेटर होते हैं उन्हें बोलते हैं वेरिएबल, और जो भी नंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं उन्हें हम कोफिशियंट बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम, क्या हुआ कैसे करना है ये चेक करते हैं। फिर इसके बाद आपके आया कि कोई भी फैक्टर टर्म्स, अगर हमको मान लीजिए कोई एक एक्सप्रेशन दिया जाए, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। नंबर में हम डायरेक्टली 2, 3, 4, 5 जिसके वो फैक्टर में आते थे डिवाइड करके चेक कर लेते थे। एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो सपोज करते हैं मैंने यहाँ लिखा था 20x, मतलब मैं 20x स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ आपको, प्लस 15। इसको अगर हमको क्या करना, फैक्टराइज करना, तो दो टर्म है दोनों को अलग अलग किया जाएगा। इस पूरे टर्म्स के हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ 20x लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 15। इस 20 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 × 5 20 हो गया, x में आपका x × x, एक्स स्क्वायर से 5 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। ये सब क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इस तरह से कहलाता है हमारा ये फैक्टराइजेशन। इनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बोलते हैं। इन दोनों को मैंने टर्म अलग किया, इनको बोलते हैं हम टर्म, ओके। और इन जो नीचे आया इनको क्या बोलते हैं, जो हमने फैक्टर करके क्या, इनको बोलेंगे फैक्टर्स। इस तरह से हम इनको एलेबरेट करते हैं। एक्सप्रेशन ये होते हैं जो कॉम्बिनेशन बन के फ्रेम होते हैं, इनके जो साइंस से अलग अलग होते हैं, मैथमेटिकल साइंस से, उन्हें बोलते हैं टर्म। उन टर्म को जो हम फैक्टराइज करते हैं तो उन्हें बोलते हैं फैक्टर्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ तक का इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने, बहुत इंपॉर्टेंट था इन सबको समझना। अब आपको कोफिशियंट हम समझा देते हैं। इस 20x स्क्वायर को मैं रखता हूँ यहीं पर, बाकी सब फॉरअप कर देगा। आपको समझ में आया ना, टर्म्स, फैक्टर एंड कॉन्स्टेंट। कोफिशियंट क्या होता है, जैसे आप अगर आप पेज नंबर 102 पे देखें तो कोफिशियंट की एक हेडिंग भी है कि ये कोफिशियंट है क्या, ठीक है। तो द न्यूमरल कोफिशियंट ऑफ इस, अगर मान लो इसमें न्यूमरल कोफिशियंट देखें तो क्या है 20, नंबर्स, न्यूमरल मतलब नंबर कोफिशियंट क्या है 20। बट आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, जिसका पूछे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, जिसकी पूछे उसको हम एक्सेप्ट, उसके अलावा जो भी बचता है वह सब उसका क्या होता है कोफिशियंट। मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ 20y x स्क्वायर, तो अगर मैं पूछूँ कोफिशियंट ऑफ y, मैंने क्या बोला था, जिसका पूछे उसको हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे, हो गया। अब बचा क्या, 20 × x, तो 20x स्क्वायर इसका कोफिशियंट हो गया, ओके। इस तरह से हम लिख सकते हैं। बट अगर इनको हम ऐसे लिखूँ 20x y स्क्वायर, तो ये आपका हो गया एलजेब्रिक कोफिशियंट, ये हो गया न्यूमेरिकल, न्यूमरल कोफिशिएंट एंड एलजेब्रिक कोफिशिएंट। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं सारी चीज़ें। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में बात करते हैं। कोफिशिएंट समझ में आया, जो भी नंबर पूछेंगे उनको छोड़ने के बाद उस टर्म में जितने नंबर होंगे, अब सपोज करिए एक नंबर होगा 5x² + 6y, अब मैं पूछा इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो ये टर्म अलग हो गया, इसमें तो कोई बात है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो केवल इसकी में इसमें इसको एक्स स्क्वायर छोड़ेंगे और ये लिखेंगे इस पर, ना कि आप ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 5 + 6y, तो आपका गलत हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इस तरह हम नहीं लिखेंगे, ओके। हम टर्म, जिस टर्म में बात करेगा उसी टर्म की बात करेंगे ना। लाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक टर्म आपने लाइक फ्रैक्शन पढ़ा होगा, लाइक डेसिमल पढ़ा होगा, तो लाइक टर्म का मतलब आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आने लगा, कुछ क्या होता है इसमें, कुछ सेम होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए इनके वेरिएबल। जैसे मान लीजिए मैंने 20xy 7xy xy 31xy, मीन्स जो इनके वेरिएबल है उस सब में क्या है, सेम, ये होते हैं लाइक टर्म्स। अगर वेरिएबल सेम नहीं तो लाइक टर्म्स नहीं कहलाएंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं कि ये आप पढ़िएगा, समझिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, बाकी की क्लास नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके। अच्छे से रीड कर लीजिएगा बुक को, समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।